विश्ववेत्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 130वीं जयंती समारोह के सम्मानित अध्यक्ष श्री राम सकल यादव जी, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के तहत दिया अधिकार हम सबको मुकद्दर खार लिखा था और बूंद बहुत लहू से सींचा है जितना हिंद चमन, जब तक जिंदा रहेगी कलम तब तक याद रखेगा उन्हें वतन। इसलिए साथियों जय भीम के हर पहलू में मेरे साथियों सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से पिछड़ा गया है, ऐसे लोगों को दलित कहा जाता है। और मैं सवाल करता हूँ मेरे साथियों, इन्होंने वर्णों का बंटवारा किया, ब्राह्मण क्षत्रिय भैंस बनाने का काम किया और एक शब्द इन्होंने शूद्र बनाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ क्या शूद्र में ये समाज नहीं आता है? अगर ब्राह्मण में ब्राह्मण आता है, क्षत्रिय में क्षत्रिय आता है, भैंस में भैंस आता है, तो बाकी जातियाँ क्या है? मेरे साथियों ऐसे लोग धिक्कार के पात्र हैं जो अपील करता है। मेरे साथियों धन है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, जिन्होंने अभी मुझे बुला करके इस बात का मेरे साथियों सलाह मशविरा किया और मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। जहाँ उन्होंने संविधान रक्षा दिवस मनाने का निर्णय लिया, वही मेरे साथियों बाबा साहब वाहिनी का गठन करके पूरे प्रदेश में हिन्दुस्तान में बाबा साहब के जीवन को वृतान करने का काम किया है। इसलिए मेरे साथियों मैं आपसे अपील करता हूँ, आज हमें जागने की जरूरत है, हमें समता मूल्य समाज बनाने की जरूरत है। और मैंने तो बार बार कहा है कि मेरे साथियों में बहुजन समाज पार्टी में था, लेकिन समाजवादी पार्टी में भी मैंने आकर देखा कि समाजवादी पार्टी में ताकत बहुत है। अगर इस ताकत को भाईचारे के आधार पर मजबूत गांठा बांधने का तैयार कर ले तो मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ, अम्बेडकर नगर को छोड़ो उत्तर प्रदेश में भी किसी सीट पर किसी का झंडा फहराने का काम नहीं करेगा। लेकिन जरूरत है मेरे साथियों में एकता बनाने की, हमें भाईचारा बनाने की, एक दूसरे का सम्मान करने का। और आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मेरे साथियों माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दलित दिवाली बोल दिया था और वो बड़ी गोपी वर्मा जी, पूर्व मंत्री आदरणीय गोपीनाथ वर्मा जी, पूर्व सांसद विधायक रहे, बसपा के जिला अध्यक्ष रहे और जिला पंचायत के चेयरमैन रहे आदरणीय त्रिभुवन दत्त जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता छोटे लोहिया के नाम से जाने जाने वाले पूर्व विधायक आदरणीय दादा जयशंकर पांडे जी, जलाल में उसी क्रम में अंबेडकर नगर जनपद के हर गांव में हर घरों में हमारे समाजवादी कार्यकर्ता पदाधिकारी साथी अपने अपने घरों पर दलित दीपावली मनाने का काम करेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर बाबा साहब की प्रतिमा पर, जिससे ये आगाज पूरे उत्तर प्रदेश को दिखे, एक जनजागरण तैयार हो, एक सामाजिक न्याय का माहौल तैयार हो, वातावरण तैयार हो, हम सभी लोग एकजुट होने का काम करें, जिससे आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर की पांचों सीटों को जीतकर हम समाजवादी सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लाने का काम करें। सम्मानित साथियों बात को बहुत आगे न बढ़ा। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।